तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका चित्रकला का पेपर है सुबह। हाई स्कूल वाले जो हैं, जो भी क्लास टेंथ वाले हैं, बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, चित्रकला का पेपर है आपका सुबह। तो आपको सुबह जो है जल्दी से जल्दी निकलना होगा पेपर देने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आपके पेपर देने जाते टाइम पे, जो अभी गलतियां नहीं करनी है उन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, देखिए लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 चित्रकला, आपको पता है 70 नंबर का पूर्णांक होता है। देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होता है। अब इन 70 नंबर के पूर्णांक में से एक आपको जो चित्र बनाना रहता है, अगर साफ साफ देखा जाए तो एक जो है आपको 45 नंबर का चित्र बनाना रहता है और दूसरा जो है आपको 25 नंबर का चित्र बनाना रहता है। 45 और 25, ठीक है, ये 70 में से 45 नंबर का और 25 नंबर का, इन दोनों का जो है चित्र बनाना रहता है। उसके बाद जो है आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वहां से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि 45 नंबर पाने के लिए कौन से चित्र बनाए, 25 नंबर पाने के लिए कौन सा चित्र बनाए, ये सब बिल्कुल एक्सप्लेन में डाला हुआ है मैंने वहां पर। तो ये सब आप देख लेंगे, खंड का खगा में सब कुछ विभक्त है, आप लोग उसमें देख लेंगे। मैं इसमें आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहां से जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा देने जाने से पहले ये बातें जान लो। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा देने जाने से पहले जो है जान लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं आपको पॉइंट वाइज सब कुछ बताता हूं। देखिए जैसे कि आपको सबसे पहली चीज मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया था और इसमें भी आपको बताऊंगा कि देखिए पहली बात तो आपको जो भी सामान है, जो भी आपके सामान है, वो सब चीज़ें आपको ले जानी है, जितने भी आपके थिंग्स हैं वो सब चीज़ें आपको साथ में ले जानी है। उसमें देखिए कई सारे चीज़ें आते हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, मिट्टा हो गया, पेन, उसके बाद जो है आपका ये स्केल हो गया, पटरी वगैरह, और कलर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा वाटर कलर। कौन सा वाटर कलर आप लेकर के जाइए पेपर देने के लिए। जब आप वाटर कलर लेकर जाएंगे वहां पर लिखा रहेगा जल रंगों द्वारा भरिए, तो वाटर कलर के साथ में आपको ब्रश वगैरह भी रखना है। क्या रखना है, उसका जो ब्रश होता है छोटा सा, आपको उसको भी साथ में रखना है। और चूंकि आप अगर वाटर कलर लेकर जाएंगे तो आपको एक छोटे से बॉक्स में जो है आपको थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मात्रा में पानी भी लेकर के जाना होगा, क्योंकि ब्रश से कलर में डालेंगे आप, उसके बाद फिर थोड़ा सा बॉक्स में जो पानी रहेगा उसमें डाल के तभी आप कलर करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कलर है, कलर करते टाइम पे जो भी चीज आपने बनाया है कलर उसी तक सीमित रहे, बाहर ना निकलने पाए। मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए आपने ये पत्ती बनाया हुआ है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने पत्ती बना हुआ है और इसमें जो है आपको कलर करना है, तो जहां तक आप कलर कर रहे हैं यहीं तक रहे, इससे बाहर ना निकलने पाए, मतलब कि भद्दा ना लगे, देखने में एकदम क्लियर एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल भी बाहर ना निकलने पाए। कलर वगैरह आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, पानी आपको लेकर जाना है अलग से बॉटल में, एक छोटा सा आप लोग इसको कैरी बैग में छोटा सा ले सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे आप इन सब इतना सारा कुछ रहेगा तो चाहे तो आप छोटा सा पॉलिथीन ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हॉल में जो है अलाउ हैं, आप उन चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स या फिर पॉलिथीन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं अलाउ है तो आप उसको हाथ में भी लेकर जा सकते हैं, जैसा भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एडमिट कार्ड तो आप भूलिएगा मत वहाँ ले जाना, एडमिट कार्ड तो आपके पास में हमेशा होना ही चाहिए, एडमिट कार्ड अपने पास रख लीजिएगा। सब कुछ आप अभी रात को ही रख लीजिए ताकि दिन में आपको रखने का बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, ताकि दिन में आप भूलने ना पाए, सब कुछ आप रात में ही रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है। आप तब तक बिल्कुल टाइम वेस्ट कीजिए जब तक आपको पेपर नहीं मिलता, लेकिन जब आपका पेपर मिल जाता है तो अपना 100% आप लगाने लगी अपना पेपर देने पर। सब कुछ जो है पूरा का पूरा टाइम आप जो है अपना पेपर देने पर लगा दीजिए। उस टाइम पे क्या होगा कि क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। जितने देर का पेपर रहेगा, जैसे 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का जो है पेपर रहता है, तो इस बीच में आपको क्या करना है, अपना इस हिसाब से पेपर कीजिएगा कि आप इतने टाइम में जो है पूरा का पूरा पेपर कर लें और जो लास्ट का 15 मिनट आपका बच जाए। कहने का मतलब टाइम से 15 मिनट पहले जो है आपको अपना पेपर कर लेना है, ताकि आप एक बार सब कुछ अच्छे से देख सकें, रिलैक्स होके हो सके, सब कुछ एकदम क्लियरली समझ सकें, एक बार पूरा का पूरा पेपर फिर से देख सकें चित्रकला का। तो देखिए इतना आपका हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपको 15 मिनट पहले जो है पेपर को कर लेना है, इससे आपको जो है बेनिफिट रहेगा, टाइम आपको अच्छे से मिल जाएगा, ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप लोगों का सारा पेपर खत्म होने के बाद आपको इस बात की चिंता रहेगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, आपका रिजल्ट, तो आपके रिजल्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहूंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक पे, वहां पर जो वेबसाइट है mobilepariskool.com जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, सब कुछ आपको वहां पर पता चल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ होगा,
उस पर वेबसाइट का, उस पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर जब आएगा रिजल्ट तो आपको रिजल्ट भी पता लग जाएगा और रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग अपने पेपर को अच्छे से दीजिए, बिल्कुल ही बेफिक्र होकर के, और जो है अच्छे से अच्छा नंबर लाइए अपने पेपर में, और सबका नाम रोशन कीजिए, हमारे चैनल का भी नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना खुद का नाम रोशन कीजिए, अपने एरिया का नाम रोशन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी सभी सब्जेक्ट की अच्छे से चल रही होगी, और हम आपकी सारे तैयारियों के लिए सभी वीडियोज हम आपको लाते रहते हैं। अभी बाकी के ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी ना हम आपके सारे का सारा जो है वीडियोज लाते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल के माध्यम से अच्छे से जुड़े रहकर के तैयारी करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से अच्छा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।